हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, IRFC और IRCTC। दोनों ही शेयर में बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। भयंकर तेज़ी आज आपको मार्केट में देखने को मिली, उसके पीछे का वैलिड रीज़न क्या निकल के आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से रेलवे स्टॉक्स के लिए क्या क्या स्कोप बन सकता है, और ये जो अपडेट्स हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, स्ट्रेटजीज निकल के आ रही हैं, आने वाली पोजीशंस क्या क्या बना सकते हो आप, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में भयंकर तेजी देखने को मिली, करीबन 1000 पॉइंट से यहाँ से आपको सेंसेक्स ऊपर जाते हुए नजर आया, और करीबन 250 पॉइंट आपको निफ्टी चढ़ते हुए नजर आ गई। दोनों बाकी के इंडाइसेस निफ्टी बैंक और मिड कैप में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। इसके पीछे का जो प्रॉपर रीजन निकल के आया वो ये था कि जो अभी न्यू वेरियंट निकल के आया था कोविड का, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आ चुकी है। WHO की तरफ से ये रिजल्ट्स बताए गए हैं कि ये जो वेरिएंट है वो पुराने कोविड के वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि डेथ रेट इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है, और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा सीवियर नज़र नहीं आते। जैसे मार्केट में ये न्यूज़ फ्लोट हुई तो जितना भी आउटफ्लो हुआ था शेयर मार्केट से, जब आपको गिरावट देखने को मिली थी 3-4 दिन कंटिन्यूअसली अच्छे पॉइंट्स के साथ, वो सारा फिर से आपको इनफ्लो देखने को मिला, मार्केट में फिर से पैसा आते हुए नजर आया, खरीदारी आपको देखने को मिली, शेयर्स में आपको इसी पर्टिकुलर वजह से तेजी देखने को मिली। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन था। यहाँ पे बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। IRCTC में आज अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, 3% से भी ज्यादा का उछाल आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला। 850 से आज ऊपर के लेवल पे ये शेयर क्लोज होते हुए नजर आया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्पीड के बाद से ये शेयर आपको अब डूबता हुआ नजर आएगा, उनके लिए यहाँ पे ये प्रॉपरली चीज़ देखने को मिल रही है कि इस शेयर में अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अभी भी ये शेयर अपने हाईएस्ट से काफ़ी अच्छे खासे लेवल नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि अभी इसमें पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा बाकी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ही जल्दी ये अच्छे खासे टारगेट्स, यानी कि 950 और 1000 के बीच के जो टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के, वो अचीव करते हुए नजर आ जाए। सबसे पहले मैं आपको रीसेंट डेटा दिखा देता हूं जो कि म्यूचुअल फंड्स का निकल के आ रहा है। यहां पे आप देख पा रहे होगे कि AMCs के नाम देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 की तरफ से 0.42% का चेंज है पॉजिटिव, और करीबन 68,558 शेयर्स की आपको यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, यानी कि एडिशनल शेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड करीबन 8% से ज़्यादा, यानी कि 8% से ज़्यादा का उछाल आपको देखने को मिला है, यानी कि इन्होंने 8% से भी ज़्यादा की होल्डिंग्स को अपनी इंक्रीज किया है, बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 11% से भी ज़्यादा की खरीदारी, और अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF 3.5% के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये परसेंटेजेस हैं जिसके थ्रू इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इनक्रीज़ किया है। तो जो भी लोग यहाँ पे पहले आपको बता रहे थे कि अब इसमें म्यूचुअल फंड्स भी एग्जिट कर चुके हैं, वो जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी, अब इसमें री एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है दूसरे लेवल पर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ही बात नज़र नहीं आती। सिनेरियो नजर आ रहा था जो कि म्यूचुअल फंड का डेटा मैंने आपको दिखाया, काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था, वो उन्होंने वापस लिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज विड्रॉन इट्स डिसीजन टू टर्मिनेट ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोबाइल कैटरिंग इन्वॉल्विंग स्कोप ऑफ वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग कुक्ड फूड टू द पैसेंजर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेस किचन एज पर द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि अभी अगर आप देखोगे थोड़े दिनों पहले IRCTC के लिए एक बुरी खबर निकल के आई थी, जिसमें अगर आप देखो तो जो कैटरिंग सर्विस थी जिसमें IRCTC का जो फूड बनता था वो जो पैसेंजर को प्रोवाइड कराया जाता था, वो सरकार ने बोला था कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी प्रिपेयर्ड फूड है वो आपको नहीं दिया जाएगा पैसेंजर्स को।
अब पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो फैसला है वो विड्रॉ कर दिया गया है और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा न्यूज़ निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। कुछ अपडेट्स है IRCTC की जो कि यहाँ से पूरा सिनेरियो पॉजिटिव वे में क्रिएट करते हुए नज़र आ रही है। टारगेट मैंने आपको बताया 950 से 1000 रुपये का शॉर्ट टर्म का, बाकी लॉन्ग टर्म का तो आप इजीली इसको होल्ड करके रख ही सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। आज अगर आप देखोगे करीबन 0.65% का उछाल 23.35 रुपये पर आज आपको ये शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आया, क्लोज होते हुए नज़र आया। अब यहाँ पे एक चीज़ तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अच्छी है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे मूवमेंट्स ही सही लेकिन पॉजिटिव वे में आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये शेयर भी एक ठीक ठाक से लेवल पर अब यहाँ पे अच्छे खासे सिनेरियो क्रिएट करते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि IRFC में कब बड़ा उछाल आएगा, जैसे कि IRCTC में आपके कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है अभी आज ही RBI की बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं जिनमें अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ में कुछ चेंजेस हैं और कुछ कुछ में थोड़े बहुत सिनेरियोज को चेंज किया गया है। अब यहाँ पे बहुत जल्दी आपको बजट देखने को मिलने वाला है जिसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है रेलवेज के लिए। जैसा कि आपको पता है इंडिया पूरी तरीके से फोकस कर रही है अपनी GDP ग्रोथ रेट को अपग्रेड करने के लिए और डेफिनेटली यहाँ से जो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे आपको रेलवे सेक्टर देखने को मिलेगा। तो रेलवे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें एक बड़ा जो बजट है वो स्पेसिफिक रेलवेज के लिए बनाया जाएगा जिसमें जो मेजर पार्ट प्ले करने वाला है वो है IRFC, यानी कि पूरी फाइनेंसिंग IRFC की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आफ्टर बजट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक भयंकर मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो भी अभी तक इसमें रुका हुआ मूवमेंट है वो भी आपको टूटते हुए नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली मैंने आपको जैसे कि बताया था थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलोगे तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखा के नजर आएगा। एक और जो न्यूज़ थी कोल इंडिया टू इन्फ्यूज ₹19,650 करोड़ टू स्ट्रेथन द रेल इंफ्रा, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोल इंडिया है वो कम से कम 19,650 करोड़ रुपये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करने वाला है। तो डेफिनेटली जब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो उसमें दो ही मेजर जो स्टॉक्स निकल के आएंगे, एक है RVNL और एक है IRFC, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं और यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी IRFC में अच्छी खासी बनी हुई है, कोई यहाँ पे डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऐसा पर्टिकुलरली देखने को अभी हाल फिलहाल में तो देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी यहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इन दोनों स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो। मैंने यहाँ पे आपको पूरा सिनेरियो क्लियर कर दिया। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।